मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर स्थित महल जय विलास पैलेस पहुंचे। यहां उन्होंने रानी महल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया राज परिवार से अपने पारिवारिक संबंधों का हवाला देते हुए कहा, मैं राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। उन्होंने कहा कि सिंधिया राज परिवार के सदस्यों का हमेशा मुझ पर स्नेह रहा है। स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया का भी स्नेह मुझे मिलता रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद यह पहला मौका है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह इस तरह से महल में मिले हैं। राजमाता साहब, फिर तुमने बबलू यार सदैव उस पर अत्यंत कृपा रही और चिंता थोड़ा सा उनके राजमाता सिंधिया जी के विवाह के बाद से ही हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे, उसके पूर्व से ही रहे। राजमाता विजया राजे सिंधिया की भी बड़ी कृपा रही उस पर, माधव जी राव जी महाराज की बड़ी कृपा रही उस पर। वे एक अत्यधिक बहादुर महिला थी और उनके जाने से हमें एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अनेक ऐसे समय आया जब उनका पूरा स्नेह और आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिला उनके परिवार का। मैं उनको आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।